वेलकम टू speeddining.com। अभी जो नए वीडियो कोर्सेस लॉन्च हुए हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है, और पुराने वीडियो जो मिल रहे थे आपको वीडियो कोर्सेज में उसके साथ में अब जो बड़े वीडियो, जो स्पेशल प्राइवेट वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं जो कभी भी पब्लिक नहीं होंगे इसकी संभावना है, उससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ये वीडियो जो आज हम बताने वाले हैं इसको आखिर तक सुनिएगा, इसमें काफ़ी काम की बातें हैं और उसकी वजह से लोगों ने कई बार बहुत नुकसान उठाया है। जैसे नया नया कोई भी व्यक्ति आ जाता है, मानसिकता क्या होती है एक नए मिडिल क्लास पर्सन की, या चलो अच्छा पैसे वाला आदमी भी है, तो उसकी मानसिकता ये होती है कि पहले बगैर खर्च किए, बगैर समय या पैसा लगाए सक्सेस की कोशिश करते हैं, शायद ढक जाएगी चीज़ें, शायद हो जाएगा किसी तरह, तो उनको कुछ पता नहीं होता, वो आके ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब ट्रेडिंग करते करते नई नई समस्याएं जो टेक्निकली आपको परेशान करेंगी उसके बारे में आपको नहीं पता, तो आज हम बात कर रहे हैं ऑक्शन क्या होता है और ये पोस्ट मार्केट सेशन क्या होता है, प्री मार्केट क्या होता है। तो प्री मार्केट क्या होता है कि 9:00 से 9:15 तक प्री मार्केट होता है। 9:00 से अगर आप nsindia.com को खोलें या अपनी मार्केट वॉच को ओपन करके देखें तो आपको पता रहेगा कि वहाँ पे कुछ मालूम पड़ रहा है आपको कि निफ्टी इतने पॉइंट प्लस है, तो वहाँ से एक आइडिया लगता है इस बात का कि मार्केट ग्रीन में हो सकता है या रेड में हो सकता है। ग्रीन में है तो कितना गैप अप होगा, रेड में है तो कितना गैप डाउन होगा, उस वक्त हम ट्रेड नहीं कर सकते, 9:00 to 9:15 आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसके पहले ऑफ मार्केट ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे कई सारे लोगों ने कहा कि सर हमारा तो सुबह 8:30 घर से निकलते हैं और रात को 8:00 घर पहुंचते हैं, स्टॉक मार्केट 9:15 पे चालू होकर 3:30 पे बंद हो जाता है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। किसने कहा आपसे? अगर आप किसी सही ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो कई सारे ब्रोकर्स के पास ये फैसिलिटी है कि आप ऑफ मार्केट आर्डर लगा सकते हैं। ऑफ मार्केट आर्डर रात को लगा दो सोते वक्त, सुबह लगा दो, और उसमें आप मार्केट प्राइस नहीं डाल सकते, आपको वहाँ पे लिमिट प्राइस ऑर्डर डालना पड़ेगा। लिमिट प्राइस मतलब मार्केट ऑर्डर किसको कहते हैं, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर खरीदी हो जाए। अब समझो कोई चीज़ कल बंद हो रही है 980, तो आपको वहाँ पे अंदाजे से 980 या 975 या 990 ऐसा ऑर्डर कोई ना कोई प्राइस डाल के रखनी पड़ेगी, तो आपकी बाइंग उस प्राइस पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट करके डाल दूं तो ऑफ मार्केट ऑर्डर नहीं डाल सकता मार्केट प्राइस पे। 3 तरह के ऑर्डर टाइप होते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस डिफाइन करते हैं, तो लिमिट ऑर्डर में हम लिखेंगे 985 या 980, इसका मतलब ये है कि 980 के अंदर अंदर अगर प्राइस रही तो बाइंग होगी। स्टॉप लॉस में आपको 2 प्राइस डिफाइन करनी पड़ेगी, एक तो ट्रिगर प्राइस और एक बाइंग प्राइस, या ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस है तो ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस, बाइंग का स्टॉप लॉस है तो ट्रिगर प्राइस और बाइंग प्राइस। तो ये प्री मार्केट आपके बड़ा काम का हो सकता है। इसके बाद आता है पोस्ट मार्केट। बाजार 3:30 बंद होने के बाद में गलती सुधारने के लिए 3:40 to 4 एक सेशन होता है, जिसमें गलती से अगर आपके पास कोई शेयर प्लस रह गए या गलती से शॉर्ट सेल हो गए हैं तो उनको आप सुधारने की, बराबर करने की, स्क्वायर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। स्क्वायर अप का मतलब क्या होता है, आपने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर आपने बेचे, नेट पोजीशन 0 की, तो इसको कहा जाएगा स्क्वायर अप। तो पोस्ट मार्केट में अगर आप ये नए सिरे से ऐसा सोचें कि चलो मैंने यहाँ नहीं खरीदता हूँ 3:30 पे और जाके 3:40 to 4 का जो पोस्ट मार्केट है उसमें खरीदूंगा स्टॉक को, तो आप गलती कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ कोई सेलर खड़ा हो रहा होगा और आपको बाइंग हो जाएगी, और मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो प्राइस उससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। तो वहाँ सिर्फ आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। वहाँ हो सकता है कि कोई सेलर आए क्योंकि उसको डिलीवरी उठा के घर नहीं ले जाना है, तो वो वहाँ पे शेयर बेचने की कोशिश करेगा और आपके शेयर रह गए शॉर्ट, आपने गलती से ज़्यादा बेच दिए हैं। तो ऑक्शन नहीं हो
इसके लिए आप खरीदने की कोशिश करेंगे, अगर वहाँ कोई सेलर आया है, आप बायर बन के जा रहे हो, आपका अगर ऑर्डर मैच होता है तो सौदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ कोई सेलर नहीं आया फिर आप बाइंग नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपके स्टॉक ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन क्या है? ऑप्शन क्या चीज है कि कैश मार्केट में आप सुबह से लेके कोई शेयर को इंट्राडे में खरीद लें, शाम तक उसको सेल कर दें, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगी। आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, नेट पोजीशन जीरो करके चले जाते हैं। कभी कभी गलती से ज्यादा शेयर बिक सकते हैं। गलती से ज्यादा शेयर बिकने के लिए क्या है, अब जैसे अभी तक आप अभी नया नया जो दौर है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स का दौर है, और जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो RMS जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वो वहाँ से देखता है और 3 से 3-10 के बीच में सारे पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देता है। आप सुबह से ये डिफाइन करके खरीदते हैं कि भाई मैं इंट्राडे के लिए मार्जिन में खरीद रहा हूँ, तो वो इंट्राडे में ही उसको बेच डालेंगे, स्क्वायर अप कर डालेंगे अपने आप। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल ब्रोकर्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया है, अगर आप नहीं बोलेंगे बेचने के लिए इंट्राडे में तो वो डिलीवरी में अपने आप चला जाएगा, और अगर आपसे कहीं ज़्यादा बिक गए शेयर तो वो स्क्वायर अप नहीं होंगे, ज़्यादा बिके हुए रह जाएंगे। वहाँ पे एक ट्रेडर होता है, एक डीलर होता है, वो 50 ट्रेडर्स की 20 ट्रेडर्स की ट्रेडिंग कर रहा है लगातार। अब कैसे होती है ज़्यादा सेलिंग? ज़्यादा सेलिंग ऐसे होती है कि आपने 500 शेयर बाई किए 80 रुपीज़ पे, और 85 पे आपने ऑर्डर लगा के रखा था, अब 80 से 82, 83 जा रहा है, 82, 83 जा रहा है, आपको लग रहा है 85 जाएगा कि नहीं जाएगा, एक काम करता हूँ 300 शेयर यहीं पे बेच देता हूँ, 83 में आपने बेच डाला, अब 85 पे आपका 500 शेयर का सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ था, उसको आप मॉडिफाई करना भूल गए, तो 300 तो 83 पे बिक चुके हैं और 500 बिक जाएंगे 85 पे। अब आप पूछेंगे सर अगर हमारे पास है ही नहीं तो कैसे बिक जाएंगे? भाई यहाँ तो शॉर्ट सेलिंग होती ना इंट्राडे में, यहाँ तो आपके पास शेयर नहीं है तो भी बेच सकते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग तो हो सकती है, तो आपने सेल कर दिया, जितना बोलोगे उतना बेच देगा सिस्टम। सिस्टम तो अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन की तरह है, क्या हुक्म है मेरे आका, आपको बेचना है बेच डालो, आपके पास है कि नहीं है ये आप जानो। अब बाद में स्क्वायर अप करेगा वो इंट्राडे में अगर ऑटोमेटिक RMS है तो, अगर ऑटोमेटिक RMS नहीं है, ट्रेडिशनल ब्रोकर है, तो फिर अब आपके ज़्यादा शॉर्ट किए हुए शेयर शॉर्ट ही रह जाएंगे। अगर वो शॉर्ट रह गए तो ये शेयर जाएंगे ऑक्शन में, नीलामी में, कल के दिन नहीं परसों के दिन आपको खरीद के दिए जाएंगे। ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन में ऐसा होगा कि सिस्टम में से आप इंट्राडे करते तो इंट्राडे करने में आपने डिलीवरी को डिस्टर्ब नहीं किया, आपने सुबह लिया और शाम होने तक वो सारे समझो जमा करती है एक जगह पे, तो जितनी डिलीवरी है उतनी वहाँ रखी है, तो जो लोग डिलीवरी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हुए। अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा शेयर बेच बेच के रख देंगे, छोड़ देंगे, तो डिलीवरी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए एक पेनल्टी की ज़रूरत थी। तो पेनल्टी कैसे लगती है कि जैसे आज मैंने 85 पे शॉर्ट कर दिया तो अगले दिन समझो वो 90 पे क्लोज हो रहा है, तो 90 के प्रीवियस क्लोज से प्लस माइनस 20% तक ऑक्शन हो सकता है। ऑक्शन कब होगा? 85 पे शॉर्ट हुआ उस दिन नहीं, 90 पे क्लोज हुआ उसके अगले दिन, मतलब तीसरे दिन आपका वो शेयर ऑक्शन में जाएगा 12 से 1 बजे के बीच में जब ऑक्शन होगा, तो प्लस माइनस 20% तक की पेनल्टी आ सकती है। 20% ही पेनल्टी लगेगी, जरूरी नहीं है। अब वहां पे ऐसा होगा कि एक्सचेंज ऑक्शन में इनवाइट करता है उन लोगों से जिनके पास डिलीवरी है, तो जिनके पास भी डिलीवरी है वो ऑक्शन फिल करते हैं। तो वो ऑक्शन में क्यों बेचना चाहते हैं कि मार्केट में चल रहा है रेट सपोज 91 का, और वहाँ पे किसी ने 93 डाला है, किसी ने 94 डाला है, किसी ने 95 डाला है। 93 किसने डाला होगा? जिसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, सपोज 50,000 शेयर है, अगर उसको 1 रुपया भी ज़्यादा मिल जाए तो उसको तो बहुत फ़ायदा है, तो 92 में बेचने को राजी है। कोई 93 डाल रहा है, कोई 94 डाल रहा है, कोई 95 डाल रहा है, तो नीचे के मिनिमम रेट से जितने का ऑप्शन है वो फुलफिल होना शुरू होता है। तो समझो 2,00,000 शेयर का ऑप्शन है, तो 50,000 शेयर तो 92 पे मिल गए, फिर
फिर 20,093 पे मिल गए, फिर 30,094 पे मिल गए और ये ऑप्शन 96 तक गया, तो उस हिसाब से आपको पेनल्टी लगने वाली है। कितनी लगेगी आपको नहीं पता, तो कभी भी गलती से स्टॉक्स को शॉर्ट करके मत जाइए। शॉर्ट करने का एक और कारण क्या हो सकता है, जैसे मैंने 80 पे खरीदा था, 85 का सेलिंग ऑर्डर लगा रखा था और 83 पे बेचने के बाद मुझे ध्यान आ गया, मैंने 85 वाले को कैंसिल भी कर दिया या मॉडिफाई कर दिया कि अब मेरे पास 200 ही बचे हैं, तो 200 का सेलिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है, वो काम तो ठीक कर लिया। लेकिन इधर 77 पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगा रखा था, अब ये 80 से उधर गया, 83-85 बिक गया और मैं आ गया घर, समझो 12 बजे मैंने स्क्रीन छोड़ी दोपहर में, या दिन में 2:30 बजे स्क्रीन छोड़ी घर आ गया, उसके बाद अचानक से बाजार में डिप आया, ये 83 से उधर 74-76 तक गया, 77 का मेरा स्टॉप लॉस था, वो भी बिक गया। अब मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि वो स्टॉप लॉस हटाने की मुझे ज़रूरत थी या स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मैं भूल गया, तो एक्स्ट्रा बिक जाएंगे और ये ऑप्शन में जाएंगे, तो ऑप्शन में फ़ायदा हो इसकी संभावना तो बहुत कम है, 80-20 का रेशो। फायदा बस ये हो सकता है कि हो सकता है आपको नुकसान ना हो, ऐसा समझो कि 82 में 85 में आपकी सेलिंग हुई है और बाद में शेयर गिर गया, या 77 में आपकी सेलिंग हुई है और शेयर गिर के 73 हो गया, तो हो सकता है आपका ऑप्शन 76-77 तक हो जाए, तो आपको बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इस आधार पे हम ऑप्शन तो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन का ख्याल रखें आप, ऑप्शन कभी मत होने दीजिए, ऑप्शन में चला जाए शेयर तो एक और रास्ता है जिसका आप इंतज़ाम कर सकते हैं। जब आप ब्रोकर के यहाँ कनेक्टेड हैं और वहाँ पे पूल में बहुत सारे लोगों के अपने डीमैट में शेयर रखे हुए हैं, तो कोई पॉपुलर सा शेयर हो तो आप अपने आसपास के जो ट्रेडर इन्वेस्टर हैं ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि अगर किसी के पास डिलीवरी रखी हुई है तो उनकी डिलीवरी स्लिप आप लगा देते हैं, तो आप पेनल्टी से बच जाते हैं और उनको नए शेयर खरीद के अगले दिन आप दे देते हैं और उसमें जो भी ब्रोकरेज नुकसान फ़ायदा हो रहा है उसका सेटलमेंट भी कर लेते हैं। ये एक तरीका हो सकता है, इसमें नुकसान तो होगा पर ऑक्शन में जितना होने वाला था उससे थोड़ा कम नुकसान होगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कभी कभी हम बात करते हैं, भी आप में से अधिकतर लोग हमेशा ही किसी न किसी स्ट्रेटेजी की तलाश में रहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे हम पैसा बनाएंगे, लेकिन पता है कहाँ मात खा रहे हैं, मात एक जगह खा रहे हैं हम लोग कि हम लगातार ही कोई नया जादू ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्ट्रेटेजी ज़्यादा नहीं चाहिए, आप अगर 5 स्ट्रेटेजी ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप रोज का 3 से 5 हज़ार रुपये बनाना सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको हर महीने 5 नई स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बात बहुत कॉम्प्लिकेशन की नहीं है, बात है सरलता की। आप कोई चीज़ शुरू करो और उसको ठीक से फॉलोअप दीजिए तो आप पैसा बना सकते हैं। तो अगला वीडियो हम इस बात पर बनाने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होने के लिए आपको क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, डॉन्ट्स क्या है और डूज क्या है, क्या चीज़ें जो करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं और हम इधर उधर सब जगह भटकते चले जाएं, लेकिन जो करना है वो नहीं करें तो सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी और हमेशा हम एक पोस्टपोनमेंट मतलब बाहर ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, एक कस्तूरी मृग की तरह। कस्तूरी मृग कैसा होता है, उसकी नाभि में से खुशबू आ रही है और वो पूरी दुनिया में भटक रहा है और ढूंढ रहा है खुशबू कहाँ से आ रही है, मर जाता है भटकते भटकते पर उसको पता नहीं लगता कि मेरी नाभि में वही कस्तूरी है जिसकी खुशबू से मैं भाग रहा हूँ। तो इस बात का ख्याल कीजिए और साइट पे जाइए www.speedearning.in। जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं वो अब ज़बरदस्त रिजल्ट देने लगे हैं, उनका अपडेशन हुआ है। पहले भी जिन लोगों को फेथ था और जिन्होंने प्रैक्टिस की उन्होंने जो भी फी पे की है उसका कम से कम 20 से 30 गुना तो पिछले 3 महीने में ही फ़ायदा उठा चुके हैं, पर जिनका फेथ नहीं है वो लोग इसी बात पे बहस करते रह जाते हैं कि सर ये तो नए वीडियो नहीं है, इसमें तो ये चीज़ तो हमने सुन रखी थी, हमने इसमें कुछ खास लग नहीं रहा, ये तो सिंपल आपने बहुत सिंपल करके बता रखी बातें, थोड़ी हो जाएगा। भाई सिंपल चीज़ें ही आखिर में काम करने वाली, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन करने में आपसे हो नहीं रही है तो उसका आप क्या कर लोगे। तो कॉम्प्लिकेशन का ये जो शौक हमने बना रखा है इसको थोड़ा हटा दीजिए,
क्योंकि अगर मैंने बोला हल्दी तो आपको मज़ा नहीं आया, कह रहे हल्दी से क्या होता है, और अगर मैंने बोला सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ऐसा कोई एंटीबायोटिक का नाम लिया, बोला हाँ यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें दम हो सकता है। तो इस तरह की मानसिकता रखने से आप बहस में जीत सकते हैं, ज़िंदगी में नहीं जीत सकते। साइट पर जाइए, वहाँ कोर्सेज की डिटेल देखिए, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक छोटा से छोटा स्टूडेंट भी हो, अगर 5वीं 8वीं क्लास का भी हो, तो पेरेंट्स उसको अगर वो वीडियो कोर्स अवेल करवा दे तो उसमें जो मैच्योरिटी आ जाएगी 18 साल का होने तक, वो काबिले तारीफ होगी। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने तरीके से 30,000 थ्री मंथ या 55,000 सिक्स मंथ की डिटेल ट्रेनिंग में जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग कॉस्ट आप जो भी पे कर रहे हैं, अगर वो FD में 10 साल में डबल हो सकती है, तो इस नॉलेज का अगर 10% भी इस्तेमाल करेंगे तो उस FD के रिटर्न से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और आपके पास एक ऐसी स्किल होगी जो आपकी ज़िंदगी को एक अलग ही तरह की आज़ादी दे सकती है। आप बिस्तर पे होते हुए, विकलांग होते हुए, बूढ़े होते हुए, अकेले होते हुए भी पैसा बना सकते हैं। जब आपके पास कैपिटल सिर्फ 5,000 बच जाए किसी समय में, 10,000 बच जाए, तो भी नाउम्मीदें आपको घेर नहीं सकती ज़िंदगी में, सिर्फ बेरोजगारी शब्द हमेशा के लिए चला जाएगा। तो साइट विजिट कीजिए www.speedearning.com, speedearning.in। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप सब लोगों को खूब खूब शुक्रिया कि आपकी वजह से 10 मिलियन व्यूज़ को हमने क्रॉस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।